मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर आए के बाद हाई अलर्ट मोड में है सीधी के जिला प्रशासन। दिन क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के, जहां अपना पत्रकार बता दें कि आज सीधी के कलेक्टर और एसपी के द्वारा जो है बहरी अमिलिया उसीहावल के क्षेत्रन के दौरा किएगा और सब जनन का जो है यह कोविड-19 के खतरा से वाकिफ करावागा। और साथ में यह कहा गया है कि बिना मास्क के यदि अपना घूम रहन बाजारन में तो वह अपना खितिर बेहद खतरनाक हो सकते हैं, अपना के परिवार खितिर खतरनाक हो सकते हैं। और साथ में कड़े निर्देश यह दिन गए हैं कि यदि कोनो व्यक्ति बिना मास्क के दिखाई देगा तो ओका अस्थायी जेल में बंद किएंगे। तो निश्चित तौर पर कोरोना के बढ़त प्रभाव को लेके पूरा प्रशासन हाई अलर्ट मोड में है और कहाँ न कहाँ या 60 घंटा के लॉकडाउन जो शहरी क्षेत्रन में है किंतु ग्रामीण क्षेत्रन में यह लॉकडाउन नहीं लगा बगाए, किंतु लोग जो है अपने से उनसे अपील की जा रही प्रशासन के द्वारा कि खुद एकर गंभीरता का समझे कोरोना के और अपन योगदान दे और लोगन की जान बचावे में सबसे बड़ा सहयोग दे। मास्क लगाई जीवन बचाई, अपन और अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। देखिए शिवेन तिवारी के पूरी रिपोर्ट, सुनिए कलेक्टर के बयान। धन्यवाद, प्रणाम। देखिए ये अचानक तो नहीं है, ये शेड्यूल था। कल भी हम लोगों ने चुरा टू रामपुर मैकिन जिसमें देखे थे भगवार मोहनिया और कमर जी का देखा था, और आज भी यहाँ जो सिहावल सब डिवीज़न है इसके बहरी फिर अमेरिया और सिहावल प्रॉपर भी देखना है। मूलतः ये है कि सबको सजग रहें और हम लोग भी मौके पे हैं, सभी अधिकारी और आम लोगों को भी ये मैसेज होना चाहिए कि मास्क पहनना बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा सैनिटाइजेशन। अगर हम ये किए रहेंगे तो शायद हमें बाज़ार ज़्यादा दिनों तक बंद करने की नौबत नहीं आए। अगर हम इसमें जितनी लापरवाह रहेंगे तो ये जो लॉकडाउन है ये यदि ज़्यादा संख्या बढ़ी तो ये लंबा लॉकडाउन की ओर ले जाएगा। तो इन्फेक्शन इसी के लिए बाहर से आने वाले लोगों की भी चेकिंग होगी, चूँकि यहाँ यूपी छत्तीसगढ़ से हम यहाँ भी बहरी में भी शुरू कराएंगे जी, जो रजिस्टर जितने लोग आ रहे हैं उनकी जानकारी भी हम रखेंगे। अभी बाकी जगह भी रखे जा रहे हैं, बहरी में भी अभी जिन सबको बोला है तो वो इसको सुनिश्चित करें।